हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ लेसन नंबर 17. नेम ऑफ द लेसन इज इफेक्ट्स ऑफ लाइट. इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द शैडोज विच आर क्रिएटेड बाय द डिफरेंट सोर्सेस. ओके, इन लेटेस्ट रिकॉल पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज अ शैडो. शैडो का मतलब क्या है? ओके, मीन्स नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ शैडो, वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस, द प्लेस वेयर द लाइट डजंट फॉल. जहां पर लाइट नहीं होता है, ओके, वहां पर जो डार्क प्लेस तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड एज शैडो. हाउ इज अ शैडो फॉर्म? द सेम पॉइंट आई एक्सप्लेन, शैडो कैसे तैयार होती है? द शैडो इज फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट. ओके, तो ऐसा नहीं, अंधेरे में अगर पेड़ पौधे जमीन होती है, ओके, तो वहां पर सिर्फ अंधेरा होता है. अंधेरा का मतलब होता है क्या? वहां पर लाइट नहीं होता है, इसीलिए ऐसे डार्क प्लेस को हम क्या बोलते हैं? शैडो. राइट, लेट अस मूव अहेड. द शैडो ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स. ओके, पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है कि एक आधा बड़ा लाइट है, ओके, उससे यहां से सिर्फ एक ही एक रे निकल रहा है. ओके, एक ही पॉइंट से रेज अगर निकल रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट सोर्स. ओके, एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या है? लाइट है, उसमें से यहां से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं. ओके, देन दिस टाइप ऑफ सोर्स इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. ओके, पॉइंट सोर्स, एक ही पॉइंट से कुछ रेज निकल रहे हैं. एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू ट्राई दिस एक्टिविटीज देयर एपरेटस. उसके लिए एपरेटस क्या क्या चाहिए? सिंपल एक्टिविटी, एकदम घर पर भी कर सकते हो आप लोग. एक कैंडल, नहीं तो टॉर्च चाहिए, यहां पर पिक्चर दिखाया है. ओके, एक कार्डबोर्ड शीट चाहिए. ओके, ऐसा एक स्क्रीन चाहिए, यहां पर दिखाया है स्क्रीन. देन स्मॉल बॉल, एक छोटा सा बॉल चाहिए. देन बिग बॉल, एक बड़ा बॉल भी चाहिए. छोटे, एक छोटा बॉल, एक बड़ा बॉल, बस इतना ही एपरेटस की जरूरत है. ओके, प्रोसीजर क्या दी है? ये एक्टिविटी कैसी करनी है? टेक इधर अ कैंडल और टॉर्च एज अ लाइट सोर्स. ओके, या तो कैंडल लेनी है, नहीं तो टॉर्च लेना है. किस लिए? एज अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी उससे हमें लाइट मिल सके. देन इन फ्रंट ऑफ इट सेट अप अ कार्डबोर्ड विथ अ टाइनी होल ओ. ओके, उसके सामने एक कार्डबोर्ड फिक्स करना है. ओके, और उसको एक छोटा सा होल बनाना है. छोटा सा होल क्यों बनाना है? क्योंकि हमें पॉइंट सोर्स चाहिए. ओके, यहां पर जो पिक्चर दिखाया मैंने, ऐसा पॉइंट सोर्स तैयार होगा, इसलिए छोटा सा होल बनाना है. उसको नाम दिया है ओ, एज शोन इन द फिगर. नाउ द लाइट इज सीन टू एमर्ज फ्रॉम द होल टू ऑन द कार्डबोर्ड. ओके, यानी यहां से ये जो कैंडल, नहीं तो लाइट टॉर्च वगैरह जो कुछ भी है, ओके, कैंडल से ज्यादा टॉर्च का अच्छा इफेक्ट रहेगा. ओके, तो यहां से जो लाइट आएगा, कुछ लाइट कार्डबोर्ड पर गिरेगा, कौन से साइड में? इस साइड में. ओके, और यहां से कुछ लाइट इस होल से आगे आएगा, और ये लाइट किस पर, वेर इट विल फॉल? ऑन द स्क्रीन. ओके, ये जो हमने यहां पर जो स्क्रीन लगाया वहां पर. ओके, सच अ लाइट सोर्स इज कॉल्ड अ पॉइंट सोर्स. ऐसे लाइट सोर्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स. ओके, प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बियॉन्ड द कार्डशीट. यहां से इस कार्डशीट से 1 मीटर डिस्टेंस पर, यानी 3 नहीं तो 4 फीट के, 3.25 फुट वो होता है, 3.28 का होता है. ओके, इसी बहाने मैं आपको ये भी समझा देता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट. ओके, 1 मीटर का मतलब कितने फीट? 3.28 फीट. ओके, थोड़ा सा अलग पॉइंट ये. ओके, प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बियॉन्ड द कार्डबोर्ड. देन हैंग द बिग बॉल बिटवीन द स्क्रीन एंड द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व द शैडो ए बी ऑफ द बॉल. ओके, क्या करना है? यहां से अब लाइट तो आ रहा है,
ओके ये कौन सा टाइप का सोर्स है, पॉइंट सोर्स। ओके यहां से एक मीटर डिस्टेंस पर क्या सेट करना है, स्क्रीन सेट करना है। ओके स्क्रीन सेट करो, नहीं तो अगर घर में अगर व्हाइट नहीं तो क्रीम कलर की अगर वॉल है तो वॉल पर ही उसको उस पर उसको स्क्रीन बनाओ। ओके एंड इन बिटवीन दैट यू हैव टू फिक्स अ बिग बॉल। ओके ऐसा ऊपर कहीं तो भी उसको फिक्स करो जो बराबर ये पॉइंट सोर्स और ये स्क्रीन के बीच में बराबर एडजस्ट करना है। इस तरह एडजस्ट करना है कि बराबर ये पूरा के पूरा लाइट ये बॉल पर गिर सके। ओके और इसको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व होता है, मैं डायग्राम से ही एक्सप्लेन करता हूं। ओके वट एवर द लाइट विल कम आउट फ्रॉम दिस होल मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स द टोटल लाइट विल फॉल ऑन दिस बॉल। ओके और ये बॉल की वजह से क्या होगा, पूरा यहां पर पूरा डार्क शेडो तैयार होगा। ओके पूरा डार्क शेडो। ओके देखो इन बिटवीन ए एंड बी। ओके लेटेस्ट उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके मैं फिगर भी ऐसे एडजस्ट करता हूं। ओके हाँ फिगर भी दिखाई देगी, एक्सप्लेनेशन भी दिखाई देगा। द रे ओ पी एंड ओ क्यू ये दोनों ओ पी और ओ क्यू ये दोनों रे निकल रहे हैं सिर्फ, यानी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही रे निकल रहे हैं, यहां से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं। कुछ ये बॉल पर कुछ गिरते हैं लेकिन हमने कौन से कंसिडर किए, सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का। ओके नहीं तो कोई बच्चा ऐसा समझेंगे कि सिर्फ दो ही रे निकल रहे हैं, दो नहीं है बहुत सारे रेज निकलते हैं उससे, लेकिन हमने ऊपर का और नीचे का दो कंसिडर किए। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स जस्ट पास बाय द बॉल एंड बॉल ऑन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टिवली। हाउएवर सिंस नो रेज रीच द स्क्रीन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी दैट पार्ट रिमेन्स अनलिट। अनलिट यानी बिना लाइट वाला। दिस इज द डार्क शेडो और द उम्ब्रा। उस डार्क शेडो को क्या बोलते हैं, उम्ब्रा। ओके एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन दिस, तो इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाले जो रेज हैं, कुछ रेज बॉल पर गिर रहे हैं यानी यहां से कुछ आने वाले कुछ बॉल पर गिर रहे हैं। ओके लेकिन ऊपर से सबसे ऊपर से जो पास हो रहा है वो ओपी है, लेकिन ओपी भी कहा ना, उसको ये बॉल को स्ट्राइक कर रहा है, ओक्यू बॉल को स्ट्राइक कर रहा है। ओके लेकिन इसकी वजह से एक भी रे नॉट अ सिंगल रे रीचेस टिल द स्क्रीन। एक यहां से निकलने वाला एक भी रे स्क्रीन को टच होता नहीं है। ओके उसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरे बॉल का जो है शैडो यहां पर दिखाई देता है, लाइट का रे एक भी नहीं आ रहा है स्क्रीन कर, इसी वजह से यहां पर पूरा डार्क शैडो तैयार होता है। ओके एंड दिस डार्क शैडो इज कॉल्ड एज उम्ब्रा। ओके इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज उम्ब्रा। ओके लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरे डायग्राम का दिया है। ओके अब एक्सटेंडेड सोर्स का दिया है, हमने पॉइंट सोर्स का देखा, अब देखते हैं एक्सटेंडेड सोर्स का। व्हाट हैपेंस इफ द कार्डबोर्ड विद द पिन होल इज रिमूव्ड। ओके अब जो हमने कार्डबोर्ड जो पिन होल का जो लगाया था, ओके उसको निकाल देते हैं। ओके नाउ वी डू नॉट हैव अ पॉइंट सोर्स, दिस सोर्स इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड सोर्स। ओके यहां पर हमने पहले क्या फिक्स किया था, कार्डबोर्ड, अब ये कार्डबोर्ड निकाल दिया हमने। ओके अब डायरेक्टली बैटरी, डायरेक्टली बॉल, डायरेक्ट स्क्रीन। ओके तो ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं, दिस इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ओके व्हाट इज द नेचर ऑफ द शैडो फॉर्म बाय एक्सटेंडेड सोर्स। अब एक्सटेंडेड सोर्स की वजह से कुछ शैडो में कुछ चेंज आ रहा है क्या, या डायग्राम में तो दिखाई दे रहा है, यहां पर डार्क है यहां पर फेंट है, शैडो तो है लेकिन डार्क शैडो एंड फेंट शैडो। ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट्स इन द शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन, वन फेंट एंड वन डार्क। द फेंट पार्ट बी सी, फेंट पार्ट बी से लेकर सी तक फेंट पार्ट है। ओके इज कॉल्ड द पेनुम्ब्रा, ये जो फेंट पार्ट है इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। ओके एंड ये जो डार्क पार्ट है इसको बोलते हैं, ये हमने पहले इसमें भी देखा, इट इज कॉल्ड एज उम्ब्रा। डार्क वाला पार्ट उसको बोलते हैं उम्ब्रा। ओके एंड फेंट वाला पार्ट जो होता है पेनुम्ब्रा। अब ये क्यों होता है, अब देखो हमने यहां पर चार रेज कंसिडर किए। ओके ये एक्सटेंडेड सोर्स है ना, तो इसके चार रेज कंसिडर करने पड़ते। देखो
टॉर्च के ऊपर से निकलने वाला नीचे जो आता है वो पॉइंट सी तक जाता है, टॉर्च के ऊपर से निकलने वाला जो ये सीधा जाता है यहां तक ए तक, टॉर्च के नीचे से दो रे निकलते हैं, एक सबसे ऊपर से जाएगा एक सबसे नीचे से जाएगा। ओके, नीचे से जाने वाला कहां तक जाता है, पॉइंट डी तक, नीचे से ऊपर जाने वाला कहां तक जाता है, बी तक। ओके, अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर सेंटर में एक डार्क शैडो तैयार होता है और उसके बाहर एक सर्कुलर रिंग में ये बॉल सर्कुलर है ना, बॉल राउंड शेप है इसलिए राउंड शेप में शैडो तैयार हो रहा है, तो बाहर सर्कुलर शेप में और एक फेंट शैडो तैयार होता है। ओके, सो द डार्क शैडो इट इज कॉल्ड एज उम्ब्रा, फेंट शैडो इज कॉल्ड एज पेनुम्ब्रा। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में कैसा, एक ही मिलता है, डार्क शैडो। ओके, एक्सटेंडेड सोर्स में कैसे मिलता है, डार्क शैडो ऑल्सो एंड फेंट शैडो ऑल्सो, राइट। सो ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट्स इन द शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन, वन फेंट एंड वन डार्क। यहां तक हमने पढ़ा था, द फेंट पार्ट बी सी इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा एंड द डार्क पार्ट ए डी इज कॉल्ड उम्ब्रा। द फेंट पार्ट, कौन सा फेंट पार्ट, बी सी इज कॉल्ड एज पेनुम्ब्रा एंड द डार्क पार्ट ए से लेकर डी तक इज कॉल्ड एज उम्ब्रा, राइट। अब और एक एक्सपेरिमेंट करना है, कौन सा, अब देखो, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फॉलोइंग एक्टिविटी व्हेन द बॉल इज बिगर देन द एक्सटेंडेड सोर्स। अब देखो एक्सटेंडेड सोर्स भी लगाने वाले है एंड बॉल बड़ा बॉल भी लगाने वाले है। ओके, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड सोर्स एंड द बॉल कॉन्स्टेंट, मूव द स्क्रीन फर्दर एंड फर्दर अवे एंड ऑब्जर्व द शैडो। एज द स्क्रीन मूव फर्दर द उम्ब्रा एंड द पेनुम्ब्रा इन द शैडो ऑफ द बॉल आर सीन टू बिकम बिगर एंड बिगर। ओके, क्या होगा, ओके, ये टॉर्च फिक्स रखना है। ओके, ये एक्टिविटी आप लोगों ने घर पर करके देखो। ओके, बॉल फिक्स रखना है। ओके, अब ये जो हमने स्क्रीन लगा कर रखा है यहां पर, ओके, अगर वॉल है तो आप लोगों को ये दोनों शिफ्ट करने पड़ेंगे। ओके, अगर ऐसा कुछ कार्डबोर्ड जैसा कुछ लगा कर रखा है तो कार्डबोर्ड को शिफ्ट करना है। क्या करना है, अब देखो ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट यहां पर ऐसी फिगर मिल रही है, क्या करना है, ये जो स्क्रीन लगा है ये स्क्रीन को थोड़ा 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 पीछे पीछे लेना है। ओके, ये स्क्रीन को अगर आप लोग यहां से यहां तक अगर पीछे पीछे लेते हो तो ये जो शैडो है ये पेनुम्ब्रा का शैडो बढ़ेगा और ये जो उम्ब्रा का जो डार्क पार्ट है ये कम होता जाएगा। ओके, ये कम होता जाएगा, देखो यहां से ऊपर के ये जो पार्ट है उम्ब्रा के यहां पर देखो यहां पर पॉइंट की साइज में आ गया। ओके, यानी इफ यू शिफ्ट द स्क्रीन अवे यानी अवे फ्रॉम द बॉल द उम्ब्रा गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड पेनुम्ब्रा गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, ये जब तक आप लोग एक्टिविटी करते नहीं तब तक ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, एक्टिविटी करके देखो। ओके, देन नाउ रिप्लेस द बिग बॉल, अब ये बिग बॉल निकाल देना है एंड विथ वन दैट इज स्मॉलर इन साइज देन द लाइट सोर्स, ऑब्जर्व इट्स शैडो ऑन द स्क्रीन। ओके, अब यहां पर जो हमने बड़ा बॉल फिक्स किया था उसकी जगह पर कौन सा बॉल फिक्स करना है, छोटा बॉल फिक्स करना है। ओके, ऑब्जर्व इट शैडो ऑन द स्क्रीन, वी सी द उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा ऑफ द बॉल ऑन इट। नाउ विदाउट मूविंग द लाइट सोर्स एंड द बॉल मूव द स्क्रीन फर्दर अवे फ्रॉम द बॉल एंड ऑब्जर्व इट शैडो। एज द स्क्रीन मूव्स फर्दर द उम्ब्रा बिकम्स स्मॉलर एंड एट अ सर्टन पॉइंट इट डिसअपीयर्स। ओके, अगर हमने यहां पर छोटा बॉल फिक्स किया, ओके, अगर छोटा बॉल फिक्स किया तो पहले अगर जब ये स्क्रीन क्लोजर है, जब ये स्क्रीन नजदीक है बॉल के, तो यहां पर हमें उम्ब्रा दिखाई देगा, पेन उम्ब्रा दिखाई देगा। ओके, सेम कंडीशन होती है, अगर ये स्क्रीन अगर यहां से हम लोग दूर लेकर जाते हैं तो ये उम्ब्रा छोटा 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 होता जाएगा और ये पेन उम्ब्रा बड़ा बड़ा होता जाएगा। ओके, जितना स्क्रीन दूर लेकर जाओगे उतना पेन उम्ब्रा बड़ा बड़ा होता जाएगा और उम्ब्रा छोटा होता जाएगा, राइट। आई होप दिस यू हैव क्लियर्ड दिस पॉइंट। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो वापस फिर से वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो, लेकिन बट अंडरस्टैंड इट। ओके, क्योंकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ना है,
ओके अब तो ये सेवेंथ स्टैंडर्ड में आप लोगों की शुरुआत हो गई है, अब सेवेंथ एट नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तक पढ़ना ही है आप लोगों को, ओके इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लो, अगर अभी समझ में आया तो आगे के एट स्टैंडर्ड नाइन टेंथ में समझ में आएगा, नहीं तो अगर यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो ये लाइट के जितने भी लेसन हैं आपको समझ में नहीं आएगा, ये पूरा बेसिक है उसका। ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। ऑन नेक्स्ट पेज नाउ न्यू टॉपिक इज देयर इक्लिप्सेस। इक्लिप्सेस आप लोगों ने सुना होगा ग्रहण, ओके दो प्रकार के इक्लिप्स होते हैं, सोलर इक्लिप्स लोनार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सोलर इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण, लोनार इक्लिप्स का मतलब चंद्र ग्रहण। ओके तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एन इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब क्या है। ओके ये सब उससे पहले एक पॉइंट में क्लियर करता हूं आप लोग, ये इक्लिप्सेस कुछ नहीं है, बस ये लाइट और शैडो का गेम है और कुछ नहीं। ओके कहीं लाइट है कहीं शैडो है, लाइट और शैडो का जो पैर होता है वो क्या होता है इक्लिप्स। अब किसका लाइट किसकी शैडो और किस पर गिर रही है बस उसका खेल है और कुछ नहीं है। ओके ये सब तीनों में ही चलता है, मून सन एंड अर्थ, ये तीनों में। ओके उसमें से तो सन का लाइट फिक्स है, तो कभी अर्थ की शैडो मून पर गिरती है, कभी मून की शैडो अर्थ पर गिरती है, बस ये बस इतना ही खेल है और कुछ नहीं। लेट अस मूव टू द पॉइंट। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ चाहिए, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये तो हम लोगों को मालूम है, ये बेसिक हमने बहुत सब पढ़ा है। ओके ये अर्थ है, ये मून है, ये मून अर्थ के इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और ये अर्थ और मून दोनों भी एक साथ दे रिवॉल्व अराउंड द सन। राइट ओके नाउ देयर ऑर्बिट्स ऑफ रिवोल्यूशन आर ऑल डिफरेंट। उनके ऑर्बिट्स अलग अलग है, अर्थ का ऑर्बिट अलग है, मून का ऑर्बिट अलग है। व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इक्लिप्स इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। ओके जब कभी तो भी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी जब सन मून एंड द अर्थ ये तीनों कभी तो भी एक लाइन में आते हैं। ओके जब वो तीनों एक लाइन में आते हैं तो क्या होता है इक्लिप्स तैयार होता ही है। ओके द सेम इक्लिप्सेस वी आर गोइंग टू सी नाउ, फर्स्ट वी विल सी सोलर इक्लिप्स। ओके सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण। ओके ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ अ शैडो ऑफ द मून इज कास्ट ऑन द अर्थ एंड द सन कैनॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट इन द शैडो, दिस इज कॉल्ड अ सोलर इक्लिप्स। ओके क्या होता है जब उनका रिवोल्यूशन चलता है, किसका अर्थ और मून का रिवोल्यूशन चलता है। ओके तो व्हेन द सन मून एंड द अर्थ व्हेन दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके तो क्या होता है जब मून सेंटर में होता है अर्थ साइड में होती है, सन साइड में होता है एंड मून इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। उसकी वजह से क्या होता है हम लोग कहां से देख रहे हैं, अर्थ से देख रहे हैं एंड ये मून बीच में आ जाता है, उसकी वजह से हम लोगों को सन दिखाई नहीं देता। ओके तो इस उसकी वजह से क्या होता है ये मून की शैडो किस पर गिरती है अर्थ पर। ओके यानी हम लोगों को सन दिखाई नहीं देता, उसका ही मीनिंग क्या है कि मून की शैडो किस पर गिर रही है अर्थ पर। ओके उसकी वजह से अर्थ पर अंधेरा गिरता है। ओके और हम लोगों को सन दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, हम लोग बोलते हैं उसको सूर्य ग्रहण। ऑलराइट यहां पर नीचे पिक्चर भी दिया है। ओके दिस ओके हियर द सन इज देयर इन बिटवीन मून इज देयर एंड हियर अर्थ, देखो द मून इज इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। ओके ये सन का लाइट किस पर अटक रहा है, मून पर अटक रहा है, उसकी वजह से अर्थ पर अंधेरा हो गया। ओके यहां पर देखो उम्ब्रा पेनुम्ब्रा वगैरह ओके तैयार हो गया,
जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको दैट इज कॉल्ड एज सोलर इक्लिप्स. ओके, लेट अस सी मोर इंफॉर्मेशन. अ सोलर इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन अ न्यू मून डे. सोलर इक्लिप्स कब दिखाई देता है? ओके, न्यू मून डे. न्यू मून डे मतलब अमावस्या. ओके, अमावस्या कब होती है? जब ये मून सन और अर्थ के बीच में आता है. ओके, तब क्या होती है? अमावस्या होती है. नहीं नहीं, न्यू मून डे होता है. द सोलर इक्लिप्स मे बी इधर पार्शियल और टोटल. ओके, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, ये पार्शियल, पार्शियल यानी थोड़ा सा, थोड़े से पार्ट में, यानी हम लोगों को थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है, थोड़ा सा पार्ट उसका अंधेरे में जाता है. अंधेरे में यानी हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरे में नहीं जाता वो. सूरज का भी अंधेरे में नहीं जा सकता, तो हमें दिखाई नहीं देता उसका कुछ पार्ट, हमें दिखाई नहीं देता, कुछ पार्ट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स. ओके, एंड कभी कभी वो कैसा होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स होता है. टोटल, टोटल मतलब क्या है? हम लोगों को पूरा टोटल सन दिखाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स. समटाइम्स द सोलर डिस्क इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द मून, दिस इज द टोटल सोलर इक्लिप्स. मतलब क्या है? यहां से व्हेन वी सी फ्रॉम द अर्थ, ये मून बराबर ऐसे एंगल में आता है कि हमें ये पूरा सन दिखाई नहीं देता. ओके, पूरी रिंग, पूरी जो रिंग है वो पूरी ये मून के कारण दिखाई नहीं देती, दैट इज कॉल्ड एज टोटल सोलर इक्लिप्स. ओके, एंड व्हेन द सोलर डिस्क इज नॉट कवर्ड फुल्ली बाय द मून वी हैव अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स. ओके, एंड जब पूरी डिस्क कवर नहीं होती तो उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स. ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के टाइम, सूर्य ग्रहण के टाइम क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अल्ट्रा वायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस रीच द अर्थ. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सूर्य ग्रहण के टाइम जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं फ्रॉम द सन, ओके, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, घातक होते हैं, हमारे आंखों के लिए घातक होते हैं, इवन स्किन डिसीजेस भी होते हैं उससे, ये अल्ट्रा वायलेट रेज. ओके, दे रीच टिल द अर्थ. अ सोलर इक्लिप्स शुड नेवर बी वॉच्ड विद द नेकेड आई. ओके, इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई द सोलर इक्लिप्स शुड नॉट बी वॉच्ड विद द नेकेड आई. नेकेड आई मतलब अपने जो नॉर्मली जो हम लोग आंखों से ऐसा देखते हैं साइड में इधर उधर, तो ऐसी जो पोजिशन में हमने सोलर इक्लिप्स देखना नहीं है. ओके, तो उसके लिए क्या है देखने के लिए? अ स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल्स शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज. एक स्पेशल टाइप के गॉगल्स मार्केट में मिलते हैं जिससे अल्ट्रा वायलेट रेस पास होते नहीं. ओके, तो ऐसे गॉगल लगाकर देख सकते हैं, लेकिन देखना भी नहीं, टीवी पर दिखाते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेस आंखों के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी डेंजरस होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोलर इक्लिप्स. नाउ लेट अस मूव टू लूनर इक्लिप्स. ओके, लूनर इक्लिप्स का पिक्चर, पहले पिक्चर देखो. ओके, उसके देन वी विल सी द इंफॉर्मेशन. अब देखो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, यानी उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण. ओके, तो उसमें क्या होता है? सन बीच में आ गया अर्थ एंड साइड में आ गया मून. ओके, तो पहले सन होता है, उसके बाद अर्थ होती है, एंड बाहर की साइड में मून होता है. और इसमें अर्थ की शैडो किस पर गिरती है? मून पर. ओके, अब मून हमें कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के टाइम, राइट, उसको बोलते हैं फुल मून डे. ओके, अब ये पूर्णिमा के टाइम अगर ये मून अगर अंधेरे में चला गया, अंधेरा मतलब क्या है? अर्थ की शैडो में चला गया, तो हमें दिखाई नहीं देता, यानी उसको ही बोलते हैं लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण. ओके, लेट अस मूव टू द डिस्क्रिप्शन. लूनर इक्लिप्स, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, अ शैडो ऑफ द अर्थ इज कास्ट ऑन द मून एंड अ पार्ट ऑफ द मून इज कवर्ड. जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है और अर्थ की शैडो मून पर गिरती है, तो उसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स. अ लूनर इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन अ फुल मून डे, यानी पूर्णिमा. इफ द होल मून कम्स इन द शैडो ऑफ द अर्थ, इट इज अ टोटल लूनर इक्लिप्स. एंड व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ इज कास्ट ओनली ऑन अ पार्ट ऑफ द मून, देन इट इज अ
पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ओके सेम जो सा मैंने पहले किया, अगर देखो पिक्चर में दिखाता हूं, अगर ये मून का अगर पूरा पार्ट अगर अर्थ के अंधेरे में आता है, अगर पूरा मून अगर ये इस शैडो में जाता है तो देन दिस इज कॉल्ड एज टोटल लूनर इक्लिप्स। अगर मून का कुछ पार्ट आधा पार्ट नहीं तो 1/4 पार्ट नहीं तो थोड़ा सा पार्ट अगर शैडो में जाता है तो बाकी का पार्ट अगर लाइट में रहता है तो हमें क्या कैसे दिखाई देता है, तो ऐसे अगर ये पूरा मून है, ओके ये पूरा अंधेरे में है एंड बाकी इस पर लाइट है, ओके तो ऐसा जो होता है थोड़े से कुछ पार्ट में अगर होता है देन दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल लूनर इक्लिप्स। यू कैन वॉच अ लूनर इक्लिप्स विद अ नेकेड आई। ओके चंद्र ग्रहण अपनी खुली आंखों से देख सकते हो, उसको गॉगल लगाने की जरूरत नहीं। ओके वाह उससे कोई रेज हार्मफुल रेज वगैरह निकलते नहीं। अ लूनर इक्लिप्स कैन बी सीन ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए ये चलता है। ओके क्योंकि इसका स्पीड कम है। ओके देन दिस फिगर इज ऑल्सो एक्सप्लेन, दिस फिगर इज ऑल्सो एक्सप्लेन। ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, डू यू नो इक्लिप्सेस ऑफन ऑकर इन द सोलर सिस्टम। इक्लिप्स हमेशा यानी बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत सारे स्टार्स है, ओके वो एक लाइन में आते हैं, जब वो एक लाइन में आ गए तो या किसी की तो भी शैडो किस पर तो भी गिरती है उसको बोलते हैं इक्लिप्स। ओके एंड ऐसे इक्लिप्सेस बहुत सारे होते रहते हैं अपनी सोलर सिस्टम में एज सीन फ्रॉम द अर्थ। ओके लेकिन ये कौन सी सिचुएशन में है, जब हम लोग अर्थ से देखते हैं तब। एज सीन फ्रॉम द अर्थ व्हेन अ प्लैनेट और अ स्टार पासेस बिहाइंड द मून दैट स्टेट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अ ऑकल्टेशन। अब ये दूसरा पॉइंट है। ओके ये पॉइंट ये यहां तक इक्लिप्स का खत्म हो गया। अब यहां से ये कंसेप्ट कौन सी दिए है ऑकल्टेशन, क्या होता है ये ऑकल्टेशन। ओके जब हम अर्थ से देखते हैं तो कौन सा भी प्लैनेट नहीं तो स्टार When it goes behind the moon, जब वो मून के यानी हम लोग अर्थ से देख रहे हैं यहां पर मून है और दूसरा कोई स्टार और प्लैनेट यहां पर आ गया। ओके तो हमें यहां से अर्थ से दिखाई नहीं देता, यहां से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये मून आता है ना बीच में। ओके तो ऐसी जो सिचुएशन आती है तो उसको बोलते हैं ऑकल्टेशन। राइट इट इज अ कॉमन फेनोमेनन दैट ऑकर्स विद द सन द मून और अदर स्टार्स। और ये हमेशा ये होता ही रहता है क्योंकि ऑल द स्टार्स सॉरी प्लैनेट्स सैटेलाइट्स इनका रिवॉल्यूशन रोटेशन ये चलता रहता है। रोटेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन रिवॉल्यूशन चलता रहता है तो ये ऑकल्टेशन बार बार दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल इन 2016 में ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, द स्टार कॉल्ड रोहिणी, स्टार मतलब लाइट देने वाला है जैसा सन है वैसा, तो ये रोहिणी स्टार वॉज हिडन बिहाइंड द मून। ये हमें मून के पीछे गया था, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था अर्थ से। ओके आफ्टर सम टाइम इट केम अपियर्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मून, और कुछ देर के बाद वो मून के एक साइड से गया दूसरे साइड से बाहर निकला। ओके तो ये ऑकल्टेशन शायद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बहुत इवन टीवी पर भी दिखाया था। ओके सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ऑकल्टेशन। मीन्स वॉट ऑकल्टेशन, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जब हम लोग अर्थ से देखते हैं तो कुछ स्टार नहीं तो कुछ प्लैनेट्स वगैरह मून के पीछे यानी वो एक लाइन में आने के कारण हमें मून के कारण वो दिखाई नहीं देते, उनको बोलते हैं ऑकल्टेशन। ऐसा 2016 में ये रोहिणी स्टार के साथ हुआ था। अब ये क्यों, क्योंकि ये स्टार है ना रोहिणी, इसको खुद का लाइट है। ओके ये चमकता रहता है, वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो समझो ये मून है तो मून के इस साइड से गया, वो पीछे से होकर इस साइड से बाहर निकला, कुछ देर के बाद निकल गया बाहर। ओके सो ऐसी जो सिचुएशन आती है दैट इज कॉल्ड एज ऑकल्टेशन। देन फाइंड आउट, ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी के लिए दिया है। क्या दिया है, टाइम पीरियड्स ऑफ लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। ओके अगर ये आप लोग अगर गूगल पर डालते हो तो ये आंसर मिल जाएंगे फटाफट। ओके तो लूनर इक्लिप्स का टाइम पीरियड, सोलर इक्लिप्स का टाइम पीरियड कंपैरिजन करके देखना है। देन वेरियस इक्लिप्सेस इन द पास्ट एंड रिलेवेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये सारे तीनों पॉइंट गूगल पर डालो फटाफट आंसर मिल जाते हैं। वेरियस इक्लिप्सेस अलग अलग जो इक्लिप्सेस हो गए, टोटल इक्लिप्सेस पार्शियल इक्लिप्सेस। ओके जो पीछे
कभी हुए हैं, ओके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. देन नंबर थ्री, इक्लिप्सेस एंड ट्रांजिट्स विच विल ऑकर इन नियर फ्यूचर. जो ऐसे इक्लिप्सेस और जो ऑकल्टेशन की वगैरह ये ऐसी जो होने वाले इन द नियर फ्यूचर, उसकी इंफॉर्मेशन भी गूगल पर है. ओके, मैंने सर्च करके देखा है, वो है, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. एक लास्ट का पॉइंट छोटा सा बाकी है. ओके, क्या है वो पॉइंट? जीरो शैडो डे. ओके, तो ये हम लोगों को मई महीने में ये इसका वी कैन एंजॉय इट. क्या होता है जीरो शैडो? जीरो शैडो मतलब उस दिन नहीं तो उस टाइम पर शैडो होती ही नहीं. ओके, होती नहीं यानी थोड़ी सी होती लेकिन दिखाई नहीं देती. अब कैसे क्या है वो देखते हैं. द डे ऑन विच द सन रीचेस एग्जैक्टली ओवर हेड. ऐसा एक दिन आता है कि उस समय एग्जैक्टली द सन इज एग्जैक्टली अबव आवर हेड, अपने पूरे सर के ऊपर होता है. उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जीरो शैडो डे. तो ऑन दैट डे एट नून यानी दोपहर के टाइम में शैडोज कंप्लीटली डिसअपियर. शैडो दिखाई देती नहीं. एक अगर हम लोग अगर बाहर खड़ा होते हैं, ओके, अगर सूरज अगर हमारे एग्जैक्टली ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है, तो शैडो कहाँ रहेगी? हमारे पैरों के नीचे रहेगी. ओके, तो अगर हम खड़े रहेंगे तो शैडो कहीं भी दिखाई नहीं देती. सो इट इज कॉल्ड एज जीरो शैडो डे. दिस इवेंट कैन ओनली बी सीन इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मीन्स ओके, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. बस इसी एरिया में वो हो सकता है, क्योंकि सन जो ट्रैवल करता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बस इतने एरिया में वो उसकी ट्रैवलिंग यानी सन हिलता नहीं है, अपना अर्थ का जो एक्सियल जो उसकी मूवमेंट है, ओके, तो इतने डिग्री में होती है. सो दिस इवेंट ऑकर्स इन समर ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट प्लेसेस इन दिस रीजन. ओके, तो समर सीजन में होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन में होता है. ऑलवेज रिमेंबर एन इक्लिप्स इज अ नेचुरल फेनोमेनन. इक्लिप्स क्या है? नेचुरल फेनोमेनन है, उसके पीछे कोई बाबा वगैरह कोई ऐसा नहीं है. ओके, मेनी सुपरस्टिशंस यानी गैर समझ, ओके, अंधश्रद्धा कनेक्टेड टू इक्लिप्सेस आर प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. ओके, कोई बोलता है कि कोई चंदा मामा सूरज को खा रहा है वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है. ओके, तो समाज में है कुछ ऐसी प्रथाएं, बहुत सारे लोग हैं सोलर इक्लिप्स लोनार इक्लिप्स के टाइम वो पानी में जाकर नहाते वगैरह, वो ठीक है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं चाहिए. इट इज नेसेसरी दैट एवरी वन मेक्स एफर्ट टू रीड द सोसाइटी ऑफ सुपरस्टिशन बिलीफ. हम लोगों ने इस पर कुछ काम करना है और जो ऐसी अंधश्रद्धा कुछ फैली हुई है उसके बारे में हमने थोड़ा सा लोगों का वो जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निकाल, ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज देयर थिंक एंड डिस्कस. नंबर वन, डिस्कस व्हाई इट इज नॉट राइट टू टाई लेमन चिली टू आवर कार. तो जो गाड़ी में घर पर वगैरह लगाते हैं ना वो धागा, लींबू मिर्ची वगैरह, वो बाउली होती है उसको ब्लैक कलर की वगैरह, तो ये सही है या गलत है उसका इंफॉर्मेशन देना है. अब देखो कितनी श्रद्धा कितनी अंधश्रद्धा रखनी है किसी ने. ओके, नंबर टू, इन आवर सराउंडिंग्स इन डे टू डे लाइफ, अपने सराउंडिंग में आसपास के एरिया में अपने डे टू डे लाइफ यानी दैनंदिन जीवन. ओके, वी अनोइंगली, ओके, यानी जानबूझ कर नहीं, तो कभी कभी हो जाता है, बिलीव इन मेनी सच थिंग्स. ऐसी कुछ जो चीजें हैं उस पर हम ध्यान रख, कुछ ऐसी श्रद्धा होती है अंधश्रद्धा. तो इज दैट राइट? ये सही है क्या? अगर सही है तो हाँ बोलो, नहीं है तो उसका रीजन अपने खुद को ही दे दो रीजन. ओके, देन आफ्टर दैट एक्सरसाइज इज देयर. ओके, क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर टू गिव रीजंस, क्वेश्चन नंबर थ्री 4, 5 यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस एंड राइट, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द डिफरेंस. ओके, ये सारे क्वेश्चन के आंसर है लेसन में. ओके, तो अच्छी तरह से तैयारी करो. ओके, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो के नीचे मैसेज में आप मुझे मैसेज डाल सकते हो. ओके, आई विल मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू
गाइड यू इन दैट केस. ओके ठीक है. तो यहाँ पर लेसन नंबर, ये अपना जो लेसन है ये लेसन नंबर 17 इफेक्ट्स ऑफ लाइट खत्म होता है. आई विल कम विद द न्यू वीडियो विद ऑफ लेसन नंबर 18. ओके टिल देन थैंक यू.